सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज है संडे और संडे को कमेंट बॉक्स वीडियो में लाता हूँ। काफी टाइम से ये वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था कुछ रीजन के वजह से, पर अब मैं संडे को कमेंट बॉक्स वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो आज मैंने आपके कुछ कमेंट्स लिया, वो सारे कमेंट्स का इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूँ। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कमेंट है विकास कुमार, ये बोल रहे हैं कि मीटअप कब करिएगा। भाई तो मीटअप बहुत जल्दी होगा, बस चैनल को थोड़ा और ग्रो होने देते हैं, क्योंकि अभी मीटअप करेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि भाई चैनल उतना अच्छा अभी आगे बढ़ा नहीं और तुम मीटअप करना स्टार्ट कर दिए, तो थोड़ा चैनल अभी और आगे बढ़ता है फिर मीटअप जरूर करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे माय ड्रीम्स कार, हाय आई एम आदित्य जोशी, मैंने ब्लॉगर पे अपने ब्लॉग के लिए 7 जनवरी को अप्लाई किया था, बट एक वीक हो गया है कोई रिप्लाई नहीं हुआ है, अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो गूगल एडिसेंस को जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद गूगल एडिसेंस जो है 2-3-4 वीक का समय मांगता है, तो उसके अंदर में वो आपको बता देता है कि आपका वेबसाइट जो है अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी आप कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, उसके बाद अगर नहीं आता है कोई ईमेल या कोई मेल नहीं आता है गूगल एडिसेंस की तरफ से, तो आप एक बार फिर से जो है उसे अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे एनआरएस फैक्ट, आपका मंथली इनकम आ जाता है या नहीं, एक मंथ से ज्यादा लग जाता है $100 होने में, और आप YouTube CEO पर वीडियो बनाइए। तो मेरा जो इस चैनल का इनकम है वो $100 कंप्लीट हो जाता है इस महीने में, मतलब कि एक महीने के अंदर में $100 कंप्लीट हो जाता है और मुझे पेमेंट आ जाता है। और YouTube के CEO पर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे वीडियो के रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो वो सारे वीडियो जो है ना एक एक करके मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे वीडियो बनाता हूं और अच्छे कॉन्टेंट देता हूं, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, तो धीरे धीरे मैं सारा टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे माई ड्रीम्स कार, मेक वीडियो ऑन हाउ टू यूज गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल कैसे यूज करते हैं इस पर मैं ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं, पर वहां पर कुछ ऑप्शन चेंज हो गए होंगे, तो मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा कि गूगल सर्च कंसोल कैसे जो है यूज करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर इन्हीं का नेक्स्ट कॉमेंट है कि गूगल एनालिटिक जो है कैसे यूज किया जाता है, इस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए, तो इस पर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा कि गूगल एनालिटिक्स कैसे यूज करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे एम पटेल, आप कौन से गेम खेलते हो। तो गेम तो वैसे मैं अभी फिलहाल कोई खेलता नहीं हूँ, पर कभी कभी खेलता जो वो है कॉल ऑफ ड्यूटी का मॉडर्न वॉरफेयर 2 खेलता हूँ, और नहीं तो फोन में जो है फ्री फायर गेम है, पर वो जो मुझे खेलने नहीं आता है, पर वो अभी सीख रहा हूँ, पर गेम में उतना टाइम नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो बस यही दो गेम मैं खेलता हूँ। नेक्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे HR13 म्यूजिक, भाई ऑडियो पर रियूज कंटेंट आएगा क्या। तो बिल्कुल आएगा, ऑडियो क्या होता है कि वीडियो में तो मेन ऑडियो ही होता है, तो ऑडियो अगर आप एक ही ऑडियो को बार बार यूज कर रहे हैं अपने चैनल पर या किसी और भी चैनल पर, तो रियूज कंटेंट जरूर आ जाएगा। किसी और चैनल पर यूज कर रहे हैं आप अपने ऑडियो को जो पहले से यूज कर चुके हैं, तो कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है, पर अगर आप अपने ही ऑडियो को बार बार अपने ही चैनल पर अपलोड कर रहे हैं तो रियूज कंटेंट में वो आ जाएगा। नेक्स्ट कॉमेंट है यहाँ पे उत्कर्ष गुप्ता, भाई इस मंथ में कम डॉलर्स बढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, इवन व्यूज गेटिंग हायर, कोई एक्सप्लेनेशन है क्या इस इशू पर, कब तक ठीक होगा। तो ये इशू जो है अभी सबके साथ चल रहा है, जनवरी महीने का जो अर्निंग है वो बहुत डाउन चल रहा है बाकी और महीने से। क्या होता है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब जो होता है ना, ये सब महीने में क्या होता है कि एडवर्टाइजर ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम फोन बहुत सारे लॉन्च होते हैं, कई सारे शॉपिंग वेबसाइट पे ऑफर्स होते हैं, तो उसका एडवर्टाइजमेंट का CPC जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से मुझे जो है आप लोग को जो है मतलब सबको जो है अर्निंग अच्छा होता है, पर ये महीने का साल जो है अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो जो भी कंपनी वाला होता है ना, जो बड़े बड़े कंपनी वाला होता है जो एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट का करवाता है, तो वो लोग ना भी बजट एक बनाकर रखते हैं लास्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं कि शुरू के जो कुछ महीने होते हैं ना, तो इस सब महीने में क्या होता है कि ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं होते हैं, तो ये सब पे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट अभी वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसे, और वही सब बजट बनाकर रखते हैं, तो एक ही बार लास्ट के 4-5 महीने जिसमें बहुत फेस्टिवल होता है, दीपावली होता है, दुर्गा पूजा होता है, ये सब में इन्वेस्ट वो लोग ज्यादा करते हैं, इसीलिए उसमें जो है ज्यादा अर्निंग होता है। यहाँ पे नेक्स्ट कॉमेंट है एडी क्रिएशन 99, ये बोल रहे हैं कि आई वॉच फर्स्ट टाइम योर वीडियो, आई रियली वेरी हैप्पी, योर वीडियो इज ऑसम, थैंक यू सो मच, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए तो। नेक्स्ट कॉमेंट है यहाँ पर टेक यूट्यूबर, वर्डप्रेस पर वेबसाइट है, न्यूज में थीम लगाया हूँ, पोस्ट का थंबनेल साइज क्या रखूँ। तो पोस्ट का थंबनेल साइज उसमें डिफॉल्ट का एक ऑप्शन होगा, वो डिफॉल्ट रखिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। फिर इन्हीं का नेक्स्ट कॉमेंट है कि ये बोलते हैं कितने वर्ड का पोस्ट लिखें और पोस्ट के लिए इमेज कैसे बनाएं,
कितने पोस्ट होने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करें, वेबसाइट कितना पुराना होना चाहिए, तो कितने वर्ड का पोस्ट लिखे, तो मिनिमम आप 500 वर्ड से ज्यादा का पोस्ट लिखिए। पोस्ट के लिए इमेज कैसे बनाए, पोस्ट के लिए आप कोई भी जैसा पोस्ट है वैसा इमेज आप फ्री वाला डाउनलोड करके उस पर टेक्स्ट लिखकर आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, पिक्सल लैब या पिक्स आर्ट। कितने पोस्ट होने के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करें, तो आप अपने वेबसाइट में 25 से 30 पोस्ट लिखिए, यूनिक पोस्ट लिखिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट जो है करीब 1 या 2-3 महीने पुराना होना चाहिए। पुराना होना गूगल नहीं बोलता है, आपकी वेबसाइट आपको पुराना होना चाहिए, ये खुद से बोला जाता है, मतलब खुद से पुराना होने देना चाहिए, क्योंकि जब पुराना होने देंगे ना तो आपका जितना भी पोस्ट होता है ना वो धीरे धीरे रैंक करने लगता है, जिसके वजह से गूगल एडसेंस अप्रूवल जो है ना बहुत जल्दी दे देता है। तो यही थे कुछ कमेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना आप, और नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में अगर आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कुछ, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक आप जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।